से पहले हम बैटर ऑफ द मैच की ओर शान मसूद ने चूंकि बहुत आज बेहतरीन इनिंग खेली 88 आज के वो टॉप स्कोरर भी रहे और जाहिर है कोई और शायद आपकी नजर में भी बैटर ऑफ द मैच चेंज बैटिंग थी शान मसूद की। हाँ हाँ रन्स की है ना मतलब खेल रहा था रन्स के लिए खेल रहा था वरना वो अमेम जाके ना ठक्का लगा रहे हैं ठक्का लगा रहे हैं। तो अब आज मुझे लगता है या तो अच्छा होमवर्क ये उनकी बैटिंग देखें रिजवान आज जीरो पे आउट होगा उसके बाद शान मसूद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और किस तरह से अपनी टीम को बड़े स्कोर ऐसा लग रहा है कि जैसे शान मसूद हमेशा रिजवान पे ही रिलाई कर रहे थे कि यार तुम खेलो मैं हूँ लेकिन ओपनर जो है ना बैट्समैन उसको यही करना चाहिए कि अगर 20 ओवर का मैच है 5-6 ओवर तक तो इनको रहना चाहिए ना फिर 5-6 ओवर फिर 5-6 ओवर तो इस तरीके से होता है। ये भी एक ट्रांसफॉर्म प्लेयर है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन रिजवान की तरह की है। 2 साल 2.5 साल पहले तक सिर्फ टेस्ट टीम में होते थे पाकिस्तान की अब ये T20 टीम का पार्ट है अब ये वनडे टीम का पार्ट है तो आप देखें इन्होंने अपने खेल को बदला है रिजवान की तरह मॉडिफाई किया। अगर सरफराज आ गए हैं माइक पे तो वो जरूर दिखाइएगा कि फादर जो है वेरी डियर ऑफ डियर फ्रेंड ऑफ माइन। अच्छा शान मसूद प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड लेते हुए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।